पहले एक न्यूज आई थी जो मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने शायद पढ़ी होगी, और ऐसी न्यूज आती रहती है। एक स्टूडेंट था 12th स्टैंडर्ड का, ब्रिलियंट स्टूडेंट, उसने अपनी एक गोल सेटिंग करी, उसने अपना एक टारगेट बनाया कि मुझे 12th में, मतलब के बोर्ड्स के एग्जाम्स में 98% चाहिए, और उस टारगेट के बेस पे उसने आगे की अपनी सारी प्लानिंग कर ली कि जब मेरे 98% आएंगे तो मेरा इस कॉलेज में एडमिशन होगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, ऐसे ऐसे सारी प्लानिंग करता चला गया। एग्जाम्स हुए, रिजल्ट्स आए, उसकी परसेंटेज आई 96%, और उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। और ऐसे एक या दो एग्जाम्पल नहीं है, इंडिया के अंदर हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने नंबर कम आने की वजह से सुसाइड कर लिया। ये तो हो गया एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल, लेकिन अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जो नंबर कम आने की वजह से डिप्रेशन में चले गए, परेशान हो गए, जिंदगी से हार गए, जिनका कॉन्फिडेंस जीरो हो गया, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करें, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे इस टाइम इंडिया में? लाखों हैं, करोड़ों हैं, पता नहीं कितने हैं जिनकी जिंदगी खराब हो रही है। किस वजह से? एक गलत ट्रैक पे चलने की वजह से। अगर मैं लाइफ का आपको एग्जाम्पल दूं, एजुकेशन से रिलेटेड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो क्या होगा? आप इमेजिन करो, एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, पीछे कोई विकेट्स नहीं है। ये लाइफ का गेम है, क्रिकेट का गेम नहीं है, क्रिकेट से रिलेटेड है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन ये जिंदगी है। आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, पीछे कोई विकेट्स नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई और प्लेयर्स नहीं है, सामने से लाइफ है, जिंदगी है, जो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जा रही है। बॉल आए, एक बॉल आई, आपने बैट घुमाया, वो बॉल छूट गई, पीछे निकल गई, पीछे निकल गई। अब आप क्या करोगे? सुसाइड करोगे? एक बॉल छूट गई, समझना इस बात को जो मैं बोलने वाला हूं, एक बॉल छूट गई, सुसाइड करोगे? आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे से एक बॉल छूट गई, क्या कहोगे उसको? मर जा? क्या कहोगे उसको कि तू हार गया, जिंदगी से हार गया, अब तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं है? ये करोगे? तो क्या है लाइफ? लाइफ को समझो, लाइफ वहां तक नहीं है जहां तक आप सोच रहे हो, आपकी सोच से परे है, जहां तक आपकी सोच नहीं पहुंच सकती, वो है असली जिंदगी। तो हुआ क्या? एक बॉल छूट गई, वो बॉल क्या थी? वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो नंबर्स के रूप में आपके सामने आ रही थी, एग्जाम्स के रूप में आपके सामने आ रही थी, कि भैया 12th के एग्जाम्स हैं, सामने से जिंदगी ने एक अपॉर्चुनिटी फेंकी, वो निकल गई। मैं ये नहीं कह रहा वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, थी, मान लिया नंबर आ जाते तो ठीक है, कुछ अच्छा हो जाता, निकल भी गई, क्या फर्क पड़ता है भाई? ये गेम ऐसी है जहां पर मैंने आपको कहा ना, कोई विकेट्स नहीं है, कोई और प्लेयर नहीं है, मतलब कि आप चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर आप पिच पे डटे रहो। लाइफ का सिर्फ एक काम है, वो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जाएगी। एक बॉल आई एग्जाम्स की, निकल गई, कोई बात नहीं, एक दूसरी बॉल आएगी, कोई और चीज की आएगी, फिर कुछ और आएगी, अरे हजारों बॉल्स आएंगी जिंदगी में। ये बॉल्स क्या है? अपॉर्चुनिटीज है। कोई छोटी अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसको आप बड़ा समझ रहे हो वो छोटी है, और जिसको छोटा समझ रहे हो कई बार वो बड़ी होती है।